क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, इन दिनों हम माता मरियम की भक्ति में डूबे हुए हैं। विशेष करके जब हम माँ मरियम के जन्म दिवस की तैयारी कर रहे हैं, नवचेतना कम्युनिकेशन सेंटर हमारे लिए अलग अलग दिनों में माँ मरियम के अनेक दर्शनों के बारे में हमको समझाते हैं। तो आज इस श्रृंखला में हम फातिमा की माँ मरियम के दर्शन के बारे में समझने के लिए प्रयास करेंगे। माँ मरियम फातिमा पोर्चुगल देश के फातिमा गांव में वर्ष 1917 में 3 भेड़ चराने वाले बच्चों को दर्शन दिया। वे हैं फ्रांसिस्को मार्तो, जसिंता मार्तो एवं लुसिया दोस सांतोस। ये तीनों बच्चों ने बकरी चराने के लिए जब गए थे, वहां पर माँ मरियम उन्हें दर्शन दिया। सर्वप्रथम ये जो दर्शन माँ मरियम इनको दिया, लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे बिशप लेरिया एवं फातिमा के बिशप अक्टूबर 1930 में इन दर्शनों को ऑफिशियली घोषित किया और इनको विश्वास करने लायक है करके स्थापित भी किया। सर्वप्रथम ये माँ मरियम की दर्शन फातिमा में जो हुआ इन बच्चों को, उसके तैयारी में वर्ष 1916 में ही जो स्वर्गदूत है इन बच्चों को दर्शन दिए। तीन दर्शन में सर्वप्रथम सबसे पहले स्वर्गदूत उनको यही संदेश दिया कि उनको प्रार्थना करना चाहिए, और स्वर्गदूत उनको शांति के दूत में एंजल ऑफ पीस करके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उनको प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना के महत्व के बारे में समझाया। अपने दूसरे दर्शन में उस स्वर्गदूत अपने आप को मैं पोर्तुगल देश के स्वर्गदूत हूं करके अपने आप को परिचय कराया और उन्हें प्रार्थना करने एवं त्याग करने, तपस्या करने के बारे में बताया। और साथ ही साथ जो विश्वास नहीं करते हैं प्रभु येसु में, उन पर विश्वास करने के लिए एक प्रार्थना को उन्हें बताए, और ये प्रार्थना यही है, हे मेरे ईश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, आप पर विश्वास करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ और आपको प्यार करता हूँ। और जो लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं, आपकी आराधना नहीं करते हैं और आपको मानते नहीं और आपको प्यार नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए, उनके पापों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो ये छोटा प्रार्थना को स्वर्गदूत ने इस दर्शन में उन बच्चों को बताया। और अपने तीसरे दर्शन में उस स्वर्गदूत ने उन बच्चों को पवित्र परम प्रसाद को दिखाते हुए और पवित्र परम प्रसाद के प्रति वे भक्ति प्रकट करना है और पापियों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करना है और प्रायश्चित करना है करके ये तीन संदेश इन बच्चों को स्वर्गदूत ने दिया। इसके बाद सन 1917 में हम देखते हैं माँ मरियम इन तीन बच्चों को दर्शन देती है। 6 बार वे उनको दर्शन देते हैं और सबसे पहला दर्शन मई 13 तारीख को 1917 में माँ मरियम उनको दर्शन देते हैं और ये कहते हैं कि हर महीने आप हमसे मिलने के लिए आना है। तो हर महीने इन बच्चों को बुलाई 13 तारीख को हर महीने में, और उनको ये भी बताया कि आप लोग अवश्य इस दुनिया में बहुत कुछ तकलीफ उठाएंगे, दुख सहेंगे, लेकिन आप लोग अवश्य स्वर्ग जाएंगे। साथ ही साथ माँ मरियम उन बच्चों को रोजरी माला के महत्व के बारे में भी बताया, रोजरी बोलना, विशेष करके विश्व शांति के लिए हर दिन रोजरी माला विनती करने से उसके महत्व के बारे में बताया। और इसी प्रकार जून 13 तारीख को दोबारा माँ मरियम उन बच्चों को दर्शन दिया और इस दर्शन में माँ मरियम उनको एक छोटी सी प्रार्थना सिखाई, जिसे हम लोग माला विनती करते समय हम बोलते हैं, 10 प्रणाम मरिया के बाद पिता पुत्र करके पवित्र त्रित्व की आराधना करते हैं, उसके बाद ये प्रार्थना जोड़ा गया है। और माँ मरियम ने इस प्रार्थना को इन बच्चों को सिखाया, वो है, हे मेरे ईश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को
विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जा। इस प्रार्थना को हम कहते हैं, वास्तव में ये प्रार्थना माँ मरियम खुद इन बच्चों को अपने दूसरे दर्शन में बताया, और इस दर्शन में इन बच्चों के उनका मृत्यु कैसे होगा उसके बारे में भी कुछ प्रेडिक्शन बताए हैं। उनके तीसरे दर्शन जो कि जुलाई 13 तारीख को हुआ था, वहां पर नरक की एक दृश्य को मां मरियम ने उन्हें दिखाया और उन्हें बताया कि उनके निष्कलंक हृदय की भक्ति को उसका महत्व करना है और उसको बढ़ावा देना है करके मां मरियम ने इन बच्चों को संदेश दिया। अगस्त 13 तारीख को वास्तव में मां मरियम उनको दर्शन देना चाहती थी, लेकिन उनको नहीं मिल पाए क्योंकि इन बच्चों को वहां के पुलिस ने लेके गया इंक्वायरी के लिए कि ये बच्चे कहीं अपने आप को कुछ गलत स्थापित ना करें, और वे अपने दर्शन को झूठा कुछ समझने के लिए वे लोग उनको इंक्वायरी के लिए लेके गए, इसलिए वे बच्चे उस दिन मां मरियम को दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन अगस्त 15 तारीख को मां मरियम ने उनको दर्शन किया, जिसमें मां मरियम यही संदेश दिए कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सितंबर महीने 13 तारीख को भी अपने चौथे दर्शन में या पांचवें दर्शन में मां मरियम उनको दर्शन दिए, जिसमें मां मरियम आकाश से गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं उन्हें बरसाते हुए दर्शन दिए, और अंतिम दर्शन अक्टूबर 13 तारीख को हुआ था। इस दर्शन में जैसे मां मरियम ने पहले ही उन्हें बताया था, सभी लोगों को उस दर्शन के लिए बुलाओ, और उस दिन करीब 17,000 से लेकर 1,00,000 लोग उस जगह पर उपस्थित हुए थे, और वहां पर उस मिरेकल ऑफ द सन मतलब सूर्य का उस बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जब पूरे जगह पर बारिश हो रहा था, केवल जहां मां मरियम ने दर्शन दिया वहां पर वे एक भयंकर रूप में उस सूर्य नाच रहा था, बहुत तेजोमय होगी उस जगह, और लोगों ने जो उनको देखा था आंसू बहाए और रोते हुए प्रार्थना किए, अपने पापों के लिए माफी मांगे। और यहीं पर मां मरियम अपने आप को रोजरी की माता के रूप में अपने आप को परिचय कराया। प्रिय भाइयों बहनों, हमें मालूम है ये बच्चे जो मां मरियम के दर्शन को देखे हैं इनको क्या हुआ उसके बाद। हमें मालूम है ये बच्चे जैसे मां मरियम ने अपने दर्शन में बताए उनके मृत्यु कैसे होगी, तो उसी प्रकार फ्रांसिस्को का मृत्यु जब वे 11 वर्ष के थे, उनका मृत्यु वर्ष 1919 में स्पैनिश फ्लू के कारण हो गया, और उसी प्रकार जेसिंता का भी कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे और वे भी जब 10 वर्ष की थी 1920 में देहांत हो गया। केवल लूसिया बाद में सिस्टर बनने के लिए गई, और उसके पहले एक बोर्डिंग स्कूल में वर्ष 1921 में वो बोर्डिंग में स्कूल में पढ़ाई की, और मां मरियम उनको पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया था, और उसके बाद कॉन्वेंट उन्होंने ज्वाइन किया और उनका नाम रहा सिस्टर मेरी ऑफ द सॉरफुल मदर, और वे वर्ष 1934 अक्टूबर 13 तारीख को सिस्टर बन गई थी। और उसके बाद हमें मालूम है वे कार्मलाइट ओसीडी कांग्रीगेशन जो डिस्कॉल्स्ट कार्मलाइट्स धर्म समाज के रूप में जाना जाता है, वो क्लॉइस्टर्ड नन है, उस समाज में वे सिस्टर बनी, और विशेष करके इमैकुलेट हार्ट ऑफ मेरी उनका नाम उसमें दिया गया, सिस्टर मरिया लूसिया ऑफ जीसस एंड द इमैकुलेट हार्ट। और आखिरी में वर्ष 1949 में उनका वे पूर्ण रूप से सिस्टर बन गई थी। प्रिय भाइयों बहनों, माँ संत लूसिया जिन्हें अभी तक संत घोषित तो नहीं किया, उनके धन्य लूसिया वेनरेबल लूसिया हम कह सकते हैं, वे सिस्टर बनने के बाद भी मां मरियम को दर्शन पाए हैं, और लगातार मां मरियम उनको दर्शन देते हुए उनको विशेष करके प्रथम शनिवार का जो भक्ति है मां मरियम की भक्ति उसे बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1925 में मां मरियम दिसंबर 10 तारीख को उन्हें दर्शन दिया, और उसी प्रकार मां मरियम ने उस पहला शनिवार का भक्ति को बढ़ावा देने के लिए भी आगे उन्हें दर्शन दे के बताया। और सबसे आखिरी में मां मरियम ने धन्य लूसिया को रशिया के परिवर्तन एवं रशिया को
माँ मरियम के निष्कलंक हृदय को समर्पित करने के लिए उनको उनके संदेश में बताया। प्रिय भाई बहनों, ये माँ मरियम के फातिमा के जो दर्शन में हम तीन रहस्यों के बारे में हम जानते हैं, वो तीन रहस्य इस प्रकार है। ये जो एक रहस्य के रूप में था, ये रहस्य करीब 1940 में जब सिस्टर लूसिया इन तीन रहस्यों के बारे में घोषित किया था। सबसे पहले जो प्रथम रहस्य था वो तो नरक की जो दर्शन और किस प्रकार आत्माएं वहां पर दुख सहते थे, और इसलिए ये दर्शन बताया कि लोग उस जगह पर ना पहुंचे ताकि उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। और जो दूसरा जो रहस्य फातिमा का रहस्य वो है विश्व युद्ध के बारे में। विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में जो शुरू होना था उसी के बारे में माँ मरियम ने बताया। यदि पापी लोग अपने पापों से मन नहीं बदलते हैं, दुनिया बुराई की ओर आगे बढ़ता जाएगा, और विशेष करके जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और विशेष करके रशिया के लोगों के मन परिवर्तन के लिए, ये दूसरा जो रहस्य माँ मरियम ने लूसिया को बताया। सिस्टर लूसिया वास्तव में तीसरा जो रहस्य है उसे बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत भयंकर एक रहस्य थी जिसे वो संत पिता के लिए रख दिया था। वर्ष 2000 में जब संत पिता ये दो बच्चों को, विशेष करके फ्रांसिस्को और जसिंता मार्थो को धन्य घोषित किया था, उस समय ये तीसरा रहस्य जो है उसे संत पिता ने घोषित किया। और ये तीसरा जो रहस्य है वो संत पिता के जो दुख सहना, संत पिता के ऊपर हमला किया जाना, क्रिस्तियों के ऊपर हमला किया जाना, क्रिस्तीय लोग अपने विश्वास के लिए किस प्रकार अत्याचार सहेंगे, ये सब के बारे में इस तीसरा और अंतिम रहस्य में बहुत कुछ रखा गया था। संत पिता जॉन पॉल सेकंड जो 1981 में जब उसी दिन मई 13 तारीख को जब फातिमा की माता के पर्व के दिन उनके ऊपर हमला किया गया था, अली अक्का करके उस व्यक्ति ने संत पिता जॉन पॉल को गोली चलाए और माँ मरियम के द्वारा वो बचाए गए, और संत पिता माँ मरियम की महान चमत्कार मानकर उस बुलेट को लेकर माँ मरियम के जो क्राउन है, जो मुकुट है फातिमा में, उसी में उसको रख दिए। प्रिय भाई बहनों, इस दर्शन से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या करना चाहिए और इसको हम किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेंगे। हमें मालूम है माँ मरियम की इस दर्शन के बाद 1930 में इस दर्शन को पूर्ण रूप से सही कहते हुए इसकी घोषणा की गई। सभी लोग इस पर मान सकते थे, इस पर विश्वास कर सकते थे। और 1942 में हम देखते हैं रशिया को, पूरे रशिया को और विश्व को माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के लिए समर्पित किया जाता है। और उसी प्रकार संत पापा जॉन पॉल सेकंड पूरे विश्व को एवं रशिया को उनके निष्कलंक हृदय के लिए 1984 में समर्पित करते हैं। आज जब हम इस माता के दर्शन के बारे में देखते हैं, प्रिय भाइयों बहनों, हमें एक ही संदेश मिलता है, हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, और विशेषकर जो पापी लोग हैं उनके मन फिराव के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम भी जब भी रोजरी बोलते हैं माँ मरियम द्वारा सिखाए गए उसी प्रार्थना को दोहराएं। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक के अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की जरूरत है उन्हें स्वर्ग में ले जा, इस प्रार्थना को कहें। और माँ मरियम को विशेष करके जो फातिमा की माँ की आशीष को अपने जीवन में अनुभव करें। ये फातिमा की माता हमारे लिए प्रार्थना कर। आप सबको धन्यवाद। जय यीशु।